हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। डायरेक्टर राकेश रोशन जल्द ही क्रिश फ्रेंचाइजी की फोर्थ एडिशन पर काम करने वाले हैं और नो डाउट इस पर लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जब क्रिश 3 आई थी तो ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी ज्यादा प्यार दिया था। क्रिश 3 में हमने क्रिश के दो वर्जन देखे, एक जो कि काल के साथ बैटल में हार गया था और दूसरा वो जिसमें रोहित ने दोबारा जिंदगी दी थी अपनी जान के बदले। और इस नए क्रिश ने काल को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए। कृष्ण अपने हाथों से एक पूरी बिल्डिंग को उठा लिया था, जबकि स्टार्टिंग में बस एक टैंकर को उठाने में उन्हें काफी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही थी। तो इससे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिश 4 में हमें कितनी ज्यादा एनर्जी दिखने वाली है उनके में, यानी कि क्रिश 4 में हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिश देखने को मिलेगा। आपके इस फ्रेंचाइजी के बारे में और सुपर हीरो कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।